जिंदा पेड़ जो है या जंगल जो है जीवित है वो ज़्यादा रोजगार देने वाला है, ज़्यादा विकास के अनुकूल है, गांव की अर्थव्यवस्था के लिए ज़्यादा अनुकूल है। और पेड़ काट करके जो रोज़गार मिलता है वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। चिपको आंदोलन का ये था कि ये जंगल जो है पूरे उत्तराखंड के पूरे हिमालय तक का हमारा वो था एक संदेश चिपको का। उसका जो एक नारा यही था कि आज हिमालय की ललकार, वन पर गांवों का अधिकार, कि वन जो है वो गांव वालों के अधिकार में आने चाहिए। और जो वन विभाग है वो केवल लोगों को शिक्षित करे, उनको मार्गदर्शन करे, उनको जंगल पेड़ का जो विज्ञान है जो वैज्ञानिक उसको बताया, और बाकी गांव वाले अपने अपने देखरेख में जंगलों की वो करेंगे, सार संभाल करेंगे, पहले से करते आ रहे हैं, उनके संस्कारों में है ये। पेड़ बचाने के साथ साथ यहाँ पर मुख्य रूप से चिपको का जो दूसरा दर्शन था वो नंगे वृक्षहीन इलाकों को हरा भरा बनाने का, और उसमें जो पीपुल्स पावर और पीपुल्स मूवमेंट के रूप में माने लोक शक्ति और के आधार पर ये कार्यक्रम कैसे बढ़ाया जाए। तो उसी समय से हम लोगों ने एक तरफ तो संघर्ष का रास्ता और दूसरा रचना का रास्ता, माने संघर्ष का रास्ता माने डायरेक्ट एक्शन वाली बात शुरू की, और दूसरे उस पर दबाव देने के लिए जो रचना का कार्यक्रम था जो नंगे वृक्षहीन इलाके थे, क्योंकि पेड़ बचाने का कार्यक्रम तो एक अवधि के अंतर्गत वो पेड़ बचाए गए, या कोई प्लॉट कटने वाला था वहाँ हमने चिपको आंदोलन चलाया, लोगों ने चिपको आंदोलन चलाया, तो वो फिर बंद हो गया, और फिर बाद में सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे इलाके को प्रतिबंधित कर दिया। तो यदि हम वहीं तक सीमित रहते तो उसका उस प्रकार से प्रचार प्रसार नहीं होता। जैसे पहाड़ों में जो गृहस्थी के संचालन की मुख्य धुरी होती है महिलाएं, तो हमने उनको इसमें सम्मिलित किया, और जन जागरण का कार्यक्रम इको डेवलपमेंट के माध्यम से कि यदि आपके आसपास का जंगल खराब होगा, जंगल तो उसका प्रभाव तुम्हारे पानी पर पड़ेगा, तुम्हारी आजीविका पर पड़ेगा, तुम्हारे जलावन पर पड़ेगा, तो इस प्रकार से एक तरफ से ये कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग और मुख्य रूप से महिलाएँ इसमें सम्मिलित होती गई। पहले सरपंच बना के भी काफ़ी लाभ मिले हमको, हमारे जंगल काफ़ी नज़ीक आ गई, हम चारों पत्ती भी जंगल से लाते हैं, लकड़ी जंगल से लाते हैं, और बिछाने की गाय के लिए नीचे पत्ती भी जंगली से लाते हैं। हमारा पूरा कारोबार जब खेती का काम खत्म होते हैं तो जंगली से होते हैं, तो उस दिन से हम बहुत नज़ीक आ गए जंगल, और जो नहीं तो हम सुबह जाते शाम आते, तो अब लोग सुबह गए तो 12 बजे घर आ जाते, काफ़ी सुविधा हो गई। तब मर्द लोग भी कुछ नहीं बोलते, मर्द लोग बोलते हैं औरतों ने जंगल बचाए तो सुविधा सबके लिए है। तो ये बात जब लोगों के समझ में आती है कि बारिश को समाहित करने की शक्ति पेड़ों में है, तो लोग उसको अपना कार्यक्रम बना लेते हैं, और यहाँ पर कई जगह भले हम वहाँ पहुँचे हों या न पहुँचे हों, तो लोग अपने अपने जंगलों को खड़ा कर रहे हैं, और पेड़ लगाने का कार्यक्रम एक तरफ से ग्राम स्तर पर भी स्वयं आगे बढ़ रहा है। मुख्य रूप से कई गाँव में हमने देखा कि लोग अपने जंगल ग्राम वन जैसा बना रहे हैं। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये है कि लोगों ने अपने जंगलों को, मतलब सिर्फ सरकारी नीलामी का विरोध करना, सरकार के द्वारा कटान का विरोध तो किया ही लोगों ने, लेकिन अपने आप भी लोगों ने अपने जंगल पाले हैं,
उदाहरण के लिए हमारे गांव का जरधार गांव का जंगल आप देखिए, 80 से पहले वो जंगल ख़त्म हो गया था, लेकिन 1980 में लोगों ने इस जंगल को पालने के लिए, इस जंगल के संरक्षण के लिए वन सुरक्षा समिति बनाई। वन सुरक्षा समिति ने अपने संसाधन से चौकीदार रख के उसका संरक्षण किया। लोगों ने कुछ लागत नहीं लगाई, सिर्फ चौकीदारों का 300 रुपये महीने का दो चौकीदारों का वेतन दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, प्रकृति अपने अनुरूप जो जंगल यहाँ पहले मिश्रित जंगल था, बांज, बुरांस, काफल, किनगोड, हिंसर, तरह तरह की लता बेल और पेड़ों का, उसको प्रकृति अपने आप वापस ले आई। और आज हम देखते हैं कि यहाँ एक बहुत सघन जंगल है, मिश्रित जंगल है, और उसमें तरह तरह के जड़ी बूटियाँ भी हैं, घास है, लताएँ, बेल हैं, और उस जंगल के नीचे से तरह तरह के कई जगह पर जो है पानी के स्रोत भी वापस आ गए हैं। हर गांव का अपना वन होना चाहिए, ग्राम वन। हम ये मानते हैं कि इस प्रकार के जंगल खड़े करेंगे तो IRR माने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यदि आप किसी गांव में 50 हेक्टेयर का जंगल खड़ा करते हैं तो 6 महीने में ही वहां से आपको कुछ न कुछ चारा ही मिलने लग जाएगा, और 5 साल 10 साल बाद एक तरफ से 50 हेक्टेयर में आपको 10 लाख रुपया प्रतिवर्ष मिल सकते हैं। ये एक तरफ से समझ लीजिए अनुसंधान के द्वारा भी वो हो रखा। तो इसलिए हमारा मानना ये है कि देश के जो 6 लाख गांव हैं, प्रत्येक गांव का अपना जंगल होना चाहिए, जहां बेकार बंजर पड़ती ज़मीन है और यदि रिजर्व फॉरेस्ट भी है और गांव से जुड़ा हुआ है तो वो ग्राम वन के लिए दिया जाना चाहिए। उसका प्रबंध जैसे उत्तराखंड में तो वन पंचायत के द्वारा किया जाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। पलायन का तो मेरे ख्याल से इसके पलायन का तो ये बाद में ही एक इशू आया इसमें, कि पहले लोग इतने पलायन तो नहीं करते थे, पर जैसे जैसे शिक्षा का वो हुआ तो पलायन तो हुआ है बहुत लोग जगहों में, उत्तराखंड के बहुत से, जैसे कि पौड़ी है, अल्मोड़ा में है। लेकिन एक बात है कि यहाँ चिपको का जो है इधर टेहरी गढ़वाल में ज़्यादा असर रहा है, और जैसे मैंने बताया हेमल घाटी में हुआ, फिर ऊपर जो है बिलंगना घाटी में, फिर उधर श्रीनगर के पास बड़ियारगढ़ में, फिर यही चंबा के पास खुरेत में, ये 6 जगहों पर यहाँ पर बड़ा जबरदस्त आंदोलन चला। तो आप देखेंगे इन इलाकों में माइग्रेशन जो है कम ही हुआ है, इस कारण से हुआ है, एक दो लोगों में पेड़ों की और खेती, उसमें क्योंकि खेती उसमें जुड़ी हुई है, पशुपालन जुड़ा हुआ है, इससे लोगों का झुकाव इस तरह बढ़ा है।